उत्तर प्रदेश में 11 जिलों में चुनाव होना है और चुनाव जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मैं इस समय विधानसभा 84 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति को चेकिंग के बाद, उसके आधार कार्ड देखने के बाद और वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है उसे देखने के बाद यहाँ लोगों को एंट्री दी जा रही है और लोग अपना जो मत अधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। प्रेम देवी स्कूल को पिंक बूथ बनाया गया है। मैं तस्वीर आपको दिखा दूँ कि जिस तरह से यहाँ महिलाएँ आई हुई हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए आई हुई। मैं इनसे भी थोड़ा सा जान लेता हूँ कि वो किन किन बातों को ध्यान में रखकर यहाँ मतदान आज करेंगी। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, आज किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे आप? क्या चाहते हैं? मुद्दे क्या रहेंगे? मैं कुछ और लोग हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करने आए हैं? सही से नहीं, हम नहीं बता पाई, मैडम बता। आप बताइए, हम किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? हम अपने मतदान का प्रयोग जो है लाइन में लगाएंगे, शांतिपूर्वक करवाएंगे और जो अपनी वोटर आईडी वगैरह है वो साथ में लेके आएंगे शांतिपूर्वक से। उन्होंने मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार आप वोट करने आए हैं तो मुद्दे किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने आएंगे? आप बताइए। मुद्दे क्या सर? जो मुद्दे तो आप ही जानते हैं, सारे मुद्दे जो है उन्हीं देख के वोट दिए जाएंगे। सब जानते हैं सर मुद्दे कौन कौन से होते हैं, उसको क्यों आप खुलवा रहे हैं? इसलिए है सर ये। फिर भी आप यहाँ वोटिंग करने आए हैं, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे क्या सब, वही जो मुद्दे पुराने हैं वही सब नए मुद्दे होने चाहिए सर। वही सारे मुद्दे। मैं आपको इधर भी तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ CISF और BSF के जवान खड़े हुए हैं। ये सामने वो रूम बनाया गया है, यहाँ पर पहले मतदाताओं की जांच की जा रही है, उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो लोग कर रहे हैं। और EVM मशीन यहाँ पर पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार जाँच के बाद ही उन्हें ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ये मतदाता जो है वो सही है या गलत है, तभी उसको EVM की तरफ अग्रसित किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ जो चुनाव है वो करीब 55 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला EVM में 7 बजे से 11 शाम 6 बजे तक वोटिंग होना है और उनका जो भाग्य का फैसला है वो EVM में आज कैद हो जाएगा। निर्मल राजपूत, राजस्थान पत्रिका, मथुरा।